नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। राधे राधे हरे कृष्णा प्रिय मित्रों, आप सभी को ज्येष्ठ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा की बहुत ही सुंदर कथा। तो चलिए मित्रों, माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सुनते हैं पूर्णिमा व्रत की कथा। एक समय की बात है, द्वापर युग में एक बार यशोदा मैया ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम तो पूरे संसार के पालन करता हो, आज तुम मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसे करने से किसी भी स्त्री को विधवा होने का भय न रहे तथा इसकी कथा सुनने मात्र से मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। श्री कृष्ण बोलते हैं कि माता, आपने मुझसे मानव जीवन के कल्याण हेतु बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है, मैं आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताता हूँ। आप इस पूरी कथा को प्रसन्न चित्त होकर सुने कि माता, वो पुण्य फलदायी व्रत है पूर्णिमा का व्रत। सौभाग्य प्राप्ति के लिए महिलाओं को 32 पूर्णमासियों के व्रत को करना चाहिए। इससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उन्हें सौभाग्यवती होने का आशीष मिलता है। अब मैं आपको इससे जुड़ी हुई कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास द्वारा पालित कांतिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक साहूकार और उसकी स्त्री रूपवती रहा करते थे। साहूकार का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। साहूकार तथा उसकी पत्नी दोनों ही उस नगरी में सभी से बड़े प्रेम और आदर के साथ व्यवहार करते थे। घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं थी, लेकिन उनको एक बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कष्ट से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था, लेकिन रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। एक समय वह किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षान्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था। तभी धनेश्वर ने योगी को देखा और अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर योगी से बोला, महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी ने कहा कि निह संतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूंकि तुम निह संतान हो, अथ पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा आर्तभाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। घर आकर उसने अपने स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी देवी की उपासना की और उपवास किया। चंडी देवी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, तुझे पुत्र होगा परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत विधिपूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाकर शिवजी का पूजन करना और पूर्णमासी का व्रत रखना। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना। जब वह श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी तब भगवान शंकर की कृपा से वह गर्भवती हो जाएगी,
जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु कई बार प्रयत्न करने पर भी वह वृक्ष पर न चढ़ पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और वह विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा और बोला, हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, वृद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यह है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथनानुसार उस फल को खा लिया। इसके पश्चात वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। चंडी देवी की आज्ञानुसार उसके माता पिता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था जिससे उसका पुत्र दीर्घायु हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास एक वर्ष तक काशी में जाकर विद्याध्ययन करे और हम उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और एक वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ विदा कर दिया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार उन्होंने 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया जा रहा था, लेकिन लग्न के समय वर को धनुर्वात मतलब एक वायु रोग जिसमें शरीर धनुष की तरह झुककर टेढ़ा हो जाता है हो गया। इस कारण वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करा देता हूँ और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो जिससे विवाह के लग्न के सारे कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और उसने अपने भांजे को वर बनने के लिए भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधिपूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में पड़ गया तथा उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा में हुई थी उसको बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्मा विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी,
किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली स्त्री थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नवमल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा, ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह चला गया। प्रातः काल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ सत्र में मेरा पाणिग्रहण हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया, मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषणादि दिए थे उन्हें दिखाए तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थीं, वह सब सुनाए। पिता ने उसके कथनानुसार वर को बुलवाया गया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह वहाँ से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहाँ से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्याध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहाँ पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष से विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट न पाया क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयंकाल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ भगवान शंकर वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दें। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ और जब वह वैसे ही हरी भी हो गई तो वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता के कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढना शुरू करें। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसे ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। देवीदास को आता देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले आया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया और सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। देवीदास इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से अपने माता पिता के पास आने को चल दिया। उसके ससुर ने भी उसे बहुत सारा धन और दहेज दिया।
इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे। उसी रात को भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा कि साहूकार, मैं तेरी भक्ति और सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। जब साहूकार का पुत्र अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर कर दी और कहा कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनका स्वागत किया, आरती उतारी और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया, और जो भी भक्त इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक और कथा का श्रवण करेगा उसका सदा ही कल्याण होगा। तो बोलिए मित्रों, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।